ये भी बताएं, आपकी मेमोरी भी रिफ्रेश करें कि आपको याद होगा कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने एक जासूस को गिरफ्तार किया था, कुलभूषण यादव को। कुलभूषण यादव भारतीय जासूस को गिरफ्तार हुए, 7 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात कर लेते हैं। लईक, बताइएगा, 7 साल हो गए कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को। बिल्कुल सर, तो 3 मार्च 2016 एक ऐसा दिन है जब चमन के पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाला कुलभूषण सुधीर यादव, इसको गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस ऑफिसर था जब इसे गिरफ्तार किया गया। 2003 से भारतीय एजेंसी राह के लिए पाकिस्तान में मुनज्जम दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस था। चाबहार में जाली पासपोर्ट पर दाखिले के बाद स्क्रैप के कारोबार की आड़ में बलोच लैत की पसंदों को नेटवर्क को परवान चढ़ा रहा था। 9 साल की कोशिशों के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे ट्रैप किया और गिरफ्तार किया। सितंबर 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव और राह के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मबनी डोजर भी अकवाम मुतहदा के हवाले किया था और भारत की तरफ से पहले तो इसे भारतीय शहरी होने से ही तस्लीम कर लिया गया था। लेकिन बाद जब 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की तरफ से सजाए मौत का ऐलान किया गया कुलभूषण के लिए, तो भारत में खुलबली मची गई थी। और उसके बाद जब भारत कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दी की कार्रवाई का एतराफ भी कर लिया, तो फिर भारत की तरफ से इस बात का एतराफ भी सामने आ गया। इंटेलिजेंस ऑफिसर के गिरफ्तार होने के बाद उनकी तरफ से मुख्तलिफ चीजों का इकरार भी किया गया भारतीय हुकूमत की तरफ से। ये बता दूं कि माजी में श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार भी भारत पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा चुके हैं। 11 जनवरी 2023 को म्यांमार ने भारत में मौजूद दहशतगर्द के ट्रेनिंग कैंप पर स्ट्राइक भी की थी। इस सूरत हाल में ये सवाल भी सामने आते हैं कि क्या आलमी बरादरी भारत के हमसायों की तरफ से इसके खिलाफ दहशतगर्दी की शिकायत पर कोई एक्शन लेंगी? क्या हिंदुत्वा नजरिए के तहत पनपता हिंदुस्तान दहशतगर्दी के जरिए खत्ते में इंतजार फैलाकर आलमी अमन के लिए खतरा तो नहीं बन रहा? ये बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब सामने आना बनता है, लेकिन जवाब भी उसका सामने ही है। लाइक जवाब उसका बिल्कुल सिंपल है। अब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे से बात कर रहे थे, लेकिन जवाब उसका बिल्कुल सिंपल है कि मईशत के साथ जो जुड़े उनके ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से, वो ज़्यादा फौकियत रखते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अफरा तफरी मचाना चाहता है, डिस्टेबलाइज करना चाहता है पाकिस्तान को या अपने पड़ोसी मुल्कों को। वो कश्मीर में किस तरीके से खाक व खून में लोगों को नहला रहा है, किस तरीके से गासिबाना उसने कब्जा किया हुआ है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, और जाहिर इंटरनेशनली एक गैस लाइटिंग चल रही है भारत की जानिब से और सबकी नजरें लग रही हैं, आंखें बंद है, शुतुरमुर्ग की तरह सब बिहेव कर रहे हैं।